आई एम स्पेशली ड्रेस्ड अप टुडे, मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको आज एक नई पोस्ट मिलने वाली है, वो एशिया हेड बनने वाले, एशिया बिजनेस हेड. सो मेरा ये एम्बिशन था कि मेरे हस्बैंड को खुश रहना चाहिए, वो जहाँ जब वो इस पार्टी में आ रहे हैं तो ही शुड फील गुड अबाउट इट कि उनकी बीबी भी अच्छी लग रही है, प्रेजेंटेबल है. सो आई स्पेशली गो टू द पार्लर तैयार होकर आई हूँ और इसीलिए आज ऐसी नज़र आ रही हूँ. मैंने ये कान के बाले पहने हैं जो कि थोड़े हैवी ड्यूटी हैं. तमिल हूँ सो आई लव गजरा. विदाउट गजरा वीणी आई कैन नॉट रियली एग्जिस्ट. तो गजरा लगाया है मैंने. आई मीन मेरे ख्याल से होल ड्रेसिंग अप मेरा गजरे पे ही ख़त्म हो जाता है. एंड बाकी जूड़ा है, इट्स अ ब्यूटीफुल जूड़ा जो कि स्पेशली मैंने पार्लर में बनवाया है. एंड सारी इज अ नेट सारी, वाइट एंड गोल्ड. समझ नहीं आया कि रमन ने जो बोला वो क्यों बोला. आई मीन इंसान हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है तो वो इंसान खुश होगा, बट यहाँ रमन दुखी है और मुझे इतने टाइम दुखी थे वो सब ठीक था तक कि समझ नहीं आ रहा था कि क्यों है, लेकिन इस बार दुख में उन्होंने किसी और ही को थैंक्स बोल दिया. सो दैट वॉज हार्ट रेंचिंग. हाँ मतलब मैं कोई दयादान की देवी तो हूँ नहीं. बीवी हूँ तो बुरा लगेगा, जेलसी फील होगी. अश्रा फैन से यही कहूँगी कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रमन के साथ एक्टिंग करते हुए. एंड इशिता रमन की केमिस्ट्री एक्चुअली रॉकिंग है. जब मैं ऑन स्क्रीन देखती हूँ, जब मैं कभी टीवी खोलकर देखती हूँ तो पता चलता है हाँ यार वी आर गुड. अभी मैं रिसेंटली करण से बोल रही थी यार करण वी आर गुड एक्टर्स यार. मैंने अभी रिसेंटली हमारा सीन देखा ना, आई वॉज एन्जॉइंग इट. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू जितना हमें जाता है उतना ही हमारे राइटर्स को भी जाता है कि बहुत अच्छे सीन्स लिख के आ रहे हैं, तो मज़ा आता है साथ में काम करने में. सो थैंक यू आप लोग के लव के लिए कि आप लोग के लव के कारण हमें इतने अच्छे अच्छे सीन्स मिल रहे हैं.